व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, नींबू यानी लेमन प्रकृति का एक बेहतरीन उपहार है। इसके अनगिनत उपयोग हैं स्वास्थ्य की रक्षा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, विभिन्न प्रकार के शारीरिक विकारों में नींबू एक औषधि, एक मेडिसिन के रूप में कार्य लिया जाता है। तो यह भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए भी कार्य करता है। नींबू विभिन्न प्रकार के क्लीनिंग कार्य, जैसे कपड़ों पर दाग धब्बे लग जाने पर कपड़ों पर दाग धब्बे निकालने के लिए, टाइल्स इत्यादि को साफ करने के लिए भी कार्य में लिया जाता है। सौंदर्य निखारने के लिए भी नींबू का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। मगर आज इस वीडियो में हम ऐसा कुछ भी नहीं बताने जा रहे हैं। दोस्तों, नींबू इन सारे गुणों के अलावा, नींबू के इन सारे उपयोग प्रयोग के अलावा एक बेहतरीन अवशोषक भी है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप नींबू के प्रयोग से अपनी किचन से आने वाली स्मेल या बदबू को, या फिर फ्रिज से आने वाली स्मेल या बदबू को बड़ी ही आसानी से समाप्त कर सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसी स्मेल जो आपको अच्छी नहीं लगती है, ऐसी बदबू जो आपको किचन में जाते ही आपको नाक बंद करने पर मजबूर करती है, ऐसी बदबू को आप बेहद आसानी से समाप्त कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको ऐसा ही एक प्रयोग बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप एक बड़ा नींबू लीजिए और इसके चार टुकड़े कर दीजिए। चार टुकड़े आपको इस प्रकार से करने हैं कि यह नींबू पूरा ना कटे। बस नींबू को इस प्रकार से काट लेने के पश्चात इस नींबू में आप नमक भर दीजिए और फिर इसे रसोई में बीच में कहीं रख दीजिए। पूरे दिन, पूरी रात इसे रखा रहने दीजिए। अधिक स्मेल या अधिक बदबू होने पर आप दो या तीन नींबू का प्रयोग कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी रसोई में से सारी बदबू समाप्त हो गई है और रसोई में एक खुशनुमा माहौल हो चुका है, रसोई में खुशबू आने लगी है। यह आपकी रसोई की सारी बदबू को समाप्त कर देता है। किचन की टाइल्स व किचन की पट्टी को साफ करने के लिए, प्लेटफॉर्म को साफ करने के लिए, कीटाणु रहित करने के लिए भी आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा लिक्विड साबुन लीजिए और इसमें तीन नींबू का रस मिला दीजिए और फिर इसमें थोड़ा पानी मिलाकर और इसे ठीक से मिक्स कर लीजिए और फिर इसे एक स्प्रे वाली बोतल में भर लीजिए और फिर किचन की टाइल्स इत्यादि साफ करने के लिए आप इस स्प्रे का प्रयोग कीजिए। आप देखेंगे कि किचन की टाइल्स एकदम से साफ हो चुकी है और कीटाणु रहित हो चुकी है और इस प्रयोग से आपकी किचन से आने वाली सारी बदबू समाप्त होने लगेगी, टाइल्स चमकदार हो जाएगी, प्लेटफॉर्म चमकने लगेगा। और दोस्तों, साथ ही नींबू के छिलकों को आप मिक्सी में पीस कर, थोड़ा पानी मिलाकर आप इसे मिक्सी में पीस लीजिए और फिर इसे छान कर किसी स्प्रे वाली बोतल में भर लीजिए और फिर इसे आप किचन में, जब भी आप किचन में जाएं तब एक बार इस स्प्रे को आप हवा में ही स्प्रे कर दीजिए। इससे किचन की सारी बदबू समाप्त होगी, किचन कीटाणु रहित रहेगी और नेचुरल लेमन फ्लेवर की खुशबू आपकी किचन में हो जाएगी। तो है ना दोस्तों, बड़ा ही आसान और सरल उपाय। तो इस प्रकार आप अपनी किचन की बदबू को बड़ी ही आसानी से समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।